दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग E70 न्यूमेटिक पैनल में लगे हुए डिफरेंट प्रेशर स्विचेस के बारे में जानेंगे। अभी देखिए, E70 का यह न्यूमेटिक पैनल है और इसमें 9 स्विचेस लगे हैं। ये 9 प्रेशर स्विच डिफरेंट चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए लगाए गए हैं। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो लेफ्ट साइड से सबसे पहला प्रेशर स्विच 44, उसके बाद में 60, उसके बाद 34, फिर 32, फिर 26, फिर 69, उसके बाद में 9/2 प्रेशर स्विच पेंटो 2 के लिए, और राइट साइड में 9/1 यह प्रेशर स्विच पेंटो 1 के लिए, और नीचे में 59 लोको ब्रेक का प्रेशर स्विच है। तो ये सभी प्रेशर स्विचेज के बारे में आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले राइट साइड में जो पहला प्रेशर स्विच है पेंटो 1 का 9/1, जो 130.4/1 भी कहलाता है, और इसी के लेफ्ट साइड में पेंटो 2 का प्रेशर स्विच 9/2 130.4/2 के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कट इन 5.5 केजी और कट आउट 4.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यदि पेंटो रेस्ट कंडीशन में है और आरएस प्रेशर अवेलेबल है, फिर भी फॉल्ट मैसेज F0103P1 आता है, तो इन दोनों प्रेशर स्विचेस को जेंटली टैप करना है। इसके बाद में लेफ्ट साइड में जो प्रेशर स्विच है 69, जो 269.1 के नाम से भी जाना जाता है, यह इमरजेंसी ब्रेक का प्रेशर स्विच है, जिसका कट इन 4.2 केजी और कट आउट 3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यह इमरजेंसी ब्रेक को मॉनिटर करता है। इसी के बाएं तरफ प्रेशर स्विच 26, जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर का प्रेशर स्विच है, जो 172.4 के नाम से भी जाना जाता है, इसका कट इन 8 केजी और कट आउट 7 केजी होता है। यदि आरएस प्रेशर लो है और एमसीपीए काम नहीं कर रहा है, एमसीवी 48.1 को देखने के बाद प्रेशर स्विच 26 को भी टैप करना है। इसके बगल में प्रेशर स्विच 32, जो पार्किंग ब्रेक का प्रेशर स्विच है, जिसे 269.3 के नाम से भी जानते हैं, इसका कट इन 5 केजी और कट आउट 4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यह पार्किंग ब्रेक के प्रेशर को मॉनिटर करता है। इसके नीचे का जो प्रेशर स्विच है 59, यह डायरेक्ट ब्रेक अर्थात लोको ब्रेक का प्रेशर स्विच है, जिसे 269.2 के नाम से भी जानते हैं, इसका कट इन 0.65 केजी और कट आउट 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यह लोको ब्रेक के प्रेशर को मॉनिटर करता है। इसी के बाएं तरफ ऊपर की ओर प्रेशर स्विच 34 है, जो ब्रेक फीड पाइप का प्रेशर स्विच है, जो 269.4/2 के नाम से भी जाना जाता है, इसका कट इन 5.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और कट आउट 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यह फीड पाइप के प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए लगाया गया है। थर्टी फोर के लेफ्ट साइड में जो प्रेशर स्विच है, उसे 60 के नाम से हम लोग जानते हैं। यह विजिलेंस कंट्रोल का प्रेशर स्विच है, जो 269.5 के नाम से भी जाना जाता है, इसका कट इन 2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और कट आउट 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यह विजिलेंस के प्रेशर को मॉनिटर करता है। और लेफ्ट में 44, जो फ्लो इंडिकेटर का प्रेशर स्विच है, 269.4/1 के भी नाम से जाना जाता है, इसका कट इन 5 केजी और कट आउट 4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार हम सभी प्रेशर स्विचेस के बारे में जाने। धन्यवाद।